मैं AK शर्मा बोल रहा हूँ, ऊर्जा मंत्री। मैं आपके इस आपके विद्युत सब स्टेशन केंद्र पे आया हुआ था। रजिस्टर में अभिजीत मुखर्जी जी का नाम देखा कि उनका मीटर बदलने और केबल जर्जर होने की समस्या थी। इन्होंने लिखा है कि उनका काम कर दिया गया है, मीटर बदल दिया गया है। तो क्या मैं पूछना चाहता था कि क्या आपका काम हो गया? हो गया। अच्छा, चलिए, आप संतुष्ट हैं काम से? बहुत 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 बधाई बहन जी, बहुत बहुत बधाई आप सबको। अगल बगल जरा कहिएगा। धन्यवाद। ऐसे आप अगल बगल वालों को जरा कहिएगा कि अगर उनकी कोई समस्या इस तरह की हो तो आकर के यहाँ ठीक करवा लें। ठीक, हमारे लोग बैठे हुए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। थैंक यू। 12 तारीख से जो विद्युत समाधान सप्ताह हमारे ऊर्जा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें सुबह 8 बजे से लेकर इस समय वर्तमान में रात को 8 बजने वाले हैं, वो भी आज रविवार का दिन है, पूरे सप्ताह हमारे ऊर्जा विभाग के हमारे जो ऊर्जा योद्धा हैं, हमारे जो विद्युत कर्मी हैं, जन सेवा के लिए सुबह से शाम तक खड़े पैर यहां उपस्थित रहते हैं। अभी तक मिले रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में 1,70,000 फरियादें हमको प्राप्त हुई थी, उनमें से लगभग 1,35,000 फरियादों का हम लोगों ने निस्तारण किया। यहां आकर के मैंने हर केंद्र पर जाकर के मैं स्वयं इसका परीक्षण भी कर रहा हूं। इस रजिस्टर में जो फरियादें लिखी जाती हैं उनमें से कई बार मैं औचक अचानक नाम और नंबर देख करके फोन करता हूं। आज भी मैंने श्री अभिजीत मुखर्जी जी के घर पर फोन किया, वहां उस घर की एक गृहिणी ने हमसे बात किया, मीटर लगाने की उनकी समस्या थी जिसका उन्होंने 16 तारीख को यहां फरियाद की थी और उस समस्या का निदान हो गया। वही चेक करने के लिए मैंने उनको फोन किया, उन्होंने पूरा संतोष व्यक्त किया अपने मीटर के बारे में जो कार्य हुआ है। इस प्रकार हमारे विभाग द्वारा, हमारे कर्मचारियों द्वारा, हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर के नीचे स्तर तक के सभी हमारे जो लाइनमैन तक के जो मीटर जैसे कर्मचारी भाई बहन हैं, वो लोग छुट्टी और वर्किंग डे देखे बिना आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस सप्ताह का जो समाधान सप्ताह है उसका कल अंतिम दिन है। मैं लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपनी बिजली से संबंधित, विद्युत से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उसे अब नजरअंदाज न करें, उसे लेकर के अपने विद्युत उपकेंद्र पे जाएं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको संपूर्ण संतोष दिया जाएगा, आपकी फरियाद को दूर किया जाएगा, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।